तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब इस साल की दो जाइंट फिल्में और उसमें से सालार जो भाई अभी तक नंबर वन पर लिखी जा रही थी या देखी जा रही थी कि भाई ये मूवी बहुत फाड़ होने वाली है। यस, क्योंकि इसके लिए प्रॉमिस भी करा जा रहा था प्रशांत नील प्रभास, मतलब प्रमोशन में ही डायरेक्टर एंड मेकर्स के द्वारा बहुत प्रॉमिस किया जा रहा था कि भाई हमारी मूवी बहुत दमदार है। ट्रेलर आने के बाद वो इतना हिट नहीं किया, लेकिन भाई मूवी सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी है। ये लोग 22 दिसंबर को फटने वाले हैं। तो सेंसर बोर्ड ने क्या दिया है उसके बाद कि भाई सेंसर बोर्ड की इस रेटिंग के बाद क्या इसमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में वो इजाफा डाउन होते नजर आएगा? क्योंकि भाई कल से जब ये चीज़ आई है ना, प्रभास डार्लिंग प्रभास के जो फैन हैं थोड़ा सा चिंतित हो गए हैं, क्योंकि सामने डंकी है और भाई जो है ना मूवी के फेवर में कहानी नहीं चल रही है, जो अभी टाइम चल रहा है नहीं चल रही। तो अभी बात करेंगे कैसे क्या सिनेरियो है, सेंसर बोर्ड ने क्या कहा है, मूवी के रन टाइम कितनी है और इसके बाद ये कलेक्शन कितना कर सकती है, क्या डंकी को अभी भी बीट डाउन कर सकती है, टक्कर दे सकती है, जो भी होगा सब देखेंगे। क्या करना है, वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी है सालार, जिसको ए रेटिंग मिली है, मूवी को ए सर्टिफिकेशन मिला है। इट मीन्स ये कि मूवी फुल एडल्ट कंटेंट होने वाली है, नॉट इन वल्गैरिटी इन द सेंस ऑफ ब्रूटैलिटी। जिस हिसाब का टॉक्सिक, जिस हिसाब का ब्रूटल वायलेंस इसमें देखने को मिलेगा, भाई एक बार के लिए प्रॉमिस अभी भी करा जा रहा है मेकर्स के द्वारा, प्रशांत नील के द्वारा, कि जो एनिमल में वायलेंस है ना उससे भी एक लेवल ऊपर देखने को मिलेगा। अगर उससे भी एक लेवल ऊपर देखने को मिल गया तो ठीक है भाई, मूवी फाड़ के जाएगी, जबरदस्त फाड़ के जाएगी। जो 1000 करोड़ ये लोग कह रहे हैं ना कि भाई हम कमा के जाएंगे, डेफिनेटली कमा के जाएगी। और जो फैंस हैं जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भाई हाँ 1000 करोड़ कमा के जाएगी और बहुत ही उम्मीद से बैठे पड़े हैं, तो जरूर कमा के जाएगी भाई। कंटेंट में दम होना चाहिए, क्योंकि सालार वही चीज वही पैटर्न फॉलो करते नजर आ रहा है जो इस साल हमें बहुत देखने को मिला है। पठान में देखने को मिला, जवान में देखने को मिला, टाइगर 3 में देखने को मिला, लियो में देखने को मिला, भोला में देखने को मिला, जेलर में देखने को मिला, मतलब एक्शन मास मसाला। उसके बाद एनिमल ने आई है, एनिमल ने तो सारे एक्शन वायलेंस की जो हद पार करी है, उस हद को अगर ये मैच कर जाए, उस वाइब को ये मैच कर गया, तो भाई इस मूवी को 1000 करोड़ का टच करने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ डंकी मूवी है भाई, उसे यूए सर्टिफिकेट मिलना ही मिलना है, फुल फैमिली कंटेंट मूवी है, तो भाई वो तो करने ही करने वाली है। और उनकी तरफ से ट्रेडमार्क है वो सीधा क्लियर है, और उनका जो रोड मैप है वो भी क्लियर है, क्योंकि पठान और जवान की जो ईएमआई उन्होंने भर रखी है भाई वो सॉलिड है, वो फुल 1000 करोड़ का ब्लॉकबस्टर जो उन्होंने दे रखा है, तो डंकी के लिए उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सारा कुछ उनके फेवर में चल रहा है। उनका ट्रेलर आया, ट्रेलर लोगों को हिट किया है, ड्रॉप 1 टीजर आया, टीजर लोगों को हिट किया है, तो वो मूवी तो फाड़ के जाने वाली। लेकिन कंसर्न जताया जा रहा है सालार के लिए, भाई रन टाइम आ चुकी है मूवी की, रन टाइम है 2 घंटे 55 मिनट, जिसमें से 2 घंटा 45 या तो फिर 2 घंटा 48 मिनट में पूरी मूवी दिखाई जाएगी। उसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी होने वाला है, क्योंकि सेकेंड पार्ट जब सीज फायर 1 है तो सीज फायर 2 भी आएगा, तो सीज फायर 2 के लिए वो एक आध मिनट लास्ट में वो पोस्ट क्रेडिट सीन होगा, जो प्रॉमिस करके जाएगा कि भाई हम सेकंड पार्ट में भी आने वाले। लेकिन कंसर्न ये है कि भाई ये 1000 करोड़ टच करेगी नहीं करेगी, क्योंकि ए सर्टिफिकेट दी गई है। कंसर्न ये है कि यार ये सर्टिफिकेट मूवी को अभी तक इंडिया में 1000 करोड़ करते नहीं देखा है, लेकिन ए सर्टिफिकेट मूवी है, एनिमल भी उसी रेस से गुजर रहे जो सर्वाइवल, मतलब एनिमल को तो चलो ठीक है उसका वेट कर रहे थे, उसका टीजर ट्रेलर बहुत सॉलिड था तो उसका फीडबैक उसको अच्छा मिला, लेकिन सालार का ट्रेलर के लिए भाई वो फीडबैक नहीं मिला है, वो हिट नहीं करा है। लेकिन हाँ, मूवी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, इसके लिए लोग वेट कर रहे हैं, इस मूवी का 1.5 साल से वेट करा जा रहे हैं। 2023 की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी कहा जा रहा है अगर ये निकल गई, और वो भी निकलेगी कब, जब इसके कंटेंट में दम होगा, तो भाई किसी का बाप नहीं रोक सकता, चाहे डंकी आ जाए चाहे कोई आ जाए, ये 1000 करोड़ टच करेगी ही करेगी। सेम अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो भाई एनिमल ए सर्टिफिकेट मूवी है और ये मूवी 10 दिन में ही 700 करोड़ टच करते नजर आ रही है। 700 करोड़ भाई, रणबीर कपूर की प्रभास के हिसाब से फैन फॉलोइंग नहीं है, रणबीर कपूर की फैन फॉलोइंग चलो ठीक है दमदार है सिर्फ इंडिया में, लेकिन प्रभास की वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग है, इंडिया में तो है ही है। उसके बाद ओवरसीज से जो इसको रेस्पॉन्स मिलने वाला है, यूएसए एंड यूके, दूसरा ऑस्ट्रेलिया कैनेडा से, वहाँ फाड़ के रेस्पॉन्स मिलेगा, तो भाई ओवरसीज से भी बहुत अच्छी कलेक्शन देखने को मिलेगी। लेकिन एनिमल को ओवरसीज से उतनी कलेक्शन नहीं मिल रही है, सिर्फ मेजर लैंग्वेज हिंदी से ही इसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। जब ये मूवी ए सर्टिफिकेट होने के बावजूद, विदाउट फैमिली कॉन्टेंट ना होने के बावजूद भी ये मूवी जब 700 करोड़ टच कर सकती है, जो क्योंकि इन्होंने अपने कंटेंट में वो प्रूव किया है, जो वो प्रॉमिस कर रहे थे उस प्रॉमिस को रखा है, और यही प्रॉमिस अगर हमें सालार के टाइम पर जो चल रहा है प्रूव होते नजर आया, तो भाई 1000 करोड़ ये इजीली ठोंक के मारेगी। डार्लिंग प्रभास है यार, इजीली ठोंक के मार सकता है ये बंदा 1000 करोड़।
लेकिन ये अपने उसमें डटे रहे क्योंकि अभी भी फ्लेक्सिबिलिटी में ये सुनने में आ रहा है कि भाई अगर अंदर मूवी के साथ 4-5 मिनट का ऐसा ब्रूटल सीन है जिसकी वजह से इस मूवी को ये सर्टिफिकेट दिया गया है, अगर ये लोग इस सीन को हटा देते हैं, कहीं सुनने में आ रहा है कि भाई ये हटा भी सकते हैं क्योंकि इन्हें यूए सर्टिफिकेशन लेना है, लेकिन यार ऐसा नहीं है भाई, आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि छोटी से छोटी जो कड़ी होती है ना वो पूरी चेन को संभाल के रखती है, जब वही कड़ी टूट जाएगी तो पूरी चेन का क्या ही करोगे। तो वैसा अगर वही चीज़ लोगों को पसंद आ गई तो पूरी मूवी बदलने वाली है। लास्ट में जैसे बॉबी देओल की वो गर्दन काटने वाला सीन भाई रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि बॉलीवुड में हमने ऐसा नहीं देखा है। ऐसे सीन सिक्वल हमें गेम ऑफ थ्रोन्स में देखने को मिले थे, ऐसे वाइकिंग्स में देखने को मिले थे, जहां पर बिल्कुल ऐसा कोई लिमिट नहीं होती है भाई, जितना ब्रूटल वॉयलेंस दिखा सकते हो दिखाओ, ऐसी वाली वेब सीरीज हम देख चुके हैं। तो वही चीज़ उन्होंने मूवी में डाली है और वो फाड़ के हिट कराए हैं। तो भाई सालार करेगी नहीं करेगी, आप लोगों का क्या कहना है? भाई मैं मान के चल रहा हूँ ए सर्टिफिकेट में ही अगर ये रहेंगे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वॉयलेंस में भी हमें बहुत कंटेंट मिल चुका है, वॉयलेंस में ही एक स्टेप इनको आगे निकलना है, और अगर ये निकल गए तो भाई आराम से ठोकेगी 1000 करोड़ आराम से ठोकेगी। भाई मैं बहुत वेट कर रहा हूँ कि एनिमल से ऊपर मिल जाए यार, अगर एनिमल से मैचअप खाता मिला तो मज़ा नहीं आएगा, एनिमल से ऊपर मिला तभी मजा आएगा। आप लोगों की क्या राय है, क्या एनिमल से ज़्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा? मतलब सालार किस हद तक वॉयलेंट होने वाली है, आप लोगों की क्या राय है जरूर बता के जाना। और क्या ये 1000 करोड़ ठोक देगी या नहीं भी ठोक पाएगी तो 700-800 करोड़, जो भी आपका प्रेडिक्शन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।